जी नीतीश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगल सूत्र। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की एक तिहाई जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो एक तिहाई जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। 400 कार्ड, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर दो मकान है उससे मकान मैं नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है? कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास। क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। अरे अब ईडी सीएमए इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद पर हमले में आरोप लगा रही है बीजेपी, उसका क्या कहते हैं? किसपे? संजय निषाद पर। देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता।